गुड मॉर्निंग। आज के स्टॉक इन न्यूज हैं स्टोव क्राफ्ट, HFFC, यस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज स्टोव क्राफ्ट का IPO ओपन हो रहा है। इसका प्राइस बैंड 384 टू 385 रुपीज का है और इसका लॉट साइज 38 शेयर्स का है। इस IPO के बारे में डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। HFFC के IPO ओपन होने के डे 2 तक उसका IPO 2.2 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ ओवरऑल और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा हुआ पोर्शन 3.4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। आज इस IPO में अप्लाई करने का आखिरी दिन है। यस बैंक ने इस फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 16.5% बढ़ा और नेट इंटरेस्ट इनकम 29.7% बढ़ी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर के अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 12.5% बढ़ा जबकि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 22% नीचे गिरा। ऐसे अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।